Sanjay Singh matter today listed for the argument and Sanjay Singh has been granted bail. Sanjay Singh is released on bail during pendency. The appellant Sanjay Singh will be entitled to continue with his political activities, undertake and continue with his political activities. आज 2 अप्रैल को मंगलवार के दिन आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी की बेल सुनी और खुद जज साहब उसके अंदर कुछ प्रश्न केंद्र सरकार से पूछ रहे थे जिसके जवाब केंद्र सरकार ईडी के पास नहीं थे। कोर्ट के प्रश्न थे, आप कह रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा ने इस दौरान जेल में बंद होने के बाद, जेल में रहते हुए सरकारी गवाह बनने के बाद उसके 10 बार बयान लिए गए, 10 बार उन 10 बयानों में संजय सिंह जी के बारे में कोई बात नहीं कही गई, 10 बार के बयानों में। उसके बाद दिनेश अरोड़ा को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है और उससे 11वां बयान लिया जाता है। 11वें बयान के अंदर वो एक बहुत ही गोलमोल सी बात कहता है कि मेरे एक आदमी ने संजय सिंह के एक आदमी को 1-1 करोड़ रुपए 2 बार दिए, सिर्फ ये बयान है। उसका जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं, संजय सिंह जी का जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं। 1 करोड़ रुपए कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं, कहाँ पहुंचे कोई पता नहीं, रिकवरी हुई कोई नहीं हुई, अटैचमेंट हुई कोई नहीं हुई, सिर्फ एक आदमी का बयान। एक आदमी का बयान जो 10 बार बयान दे चुका है और संजय सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहता, उसके ऊपर दबाव डाल के 11वां बयान कर लो और आप राज्यसभा का वो सांसद उठा लो जो केंद्र सरकार से सवाल पूछता है एक आदमी के बयान पे। इसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा सवाल था, क्या कोई पैसा रिकवर हुआ है, क्या कोई पैसा अटैच किया गया है? जब कोई पैसा रिकवर ही नहीं हुआ, अटैच ही नहीं हुआ, तो पीएमएलए कैसे लगा है? इसका कोई जवाब ईडी के पास नहीं था, केंद्र सरकार के पास नहीं था। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह कैसे मान लिया जाए कि एक गवाह ने 11 बयान दिए, उसमें से 10 आप कूड़े के कचरे के डब्बे में डाल दोगे और एक बयान आप जो उन्होंने संजय सिंह के खिलाफ दिया उसको आप दे दोगे कोर्ट में, ये कैसे फैसला कर सकते हैं आप? बाकी 10 बयान आपने रिकॉर्ड पे क्यों नहीं डाले? इसका जवाब कुछ केंद्र सरकार के पास नहीं। ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ದಿನ .com YouTube ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ।